खतरनाक भूत निकलती और फिर धीरे से लैब में घुस जाती। फिर लैब में बैठकर वो उठपटांग चीजें बनाती। जब वो थक जाती बगल वाले हॉल में वो पियानो बजाती अपना पसंद का गाना। अब मैं क्या करूं? अगर कहीं वो आत्मा आ गई तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। बीबी बीबी हाँ यूबी, मेरे पास एक आइडिया है, तुम भी साथ चलोगे? यूबी को लाके तुमने अच्छा किया मिचियो। बीबी 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 सुनकर तो मैं परेशान हो गया हूँ। बीबी बीबी यूबी से पंगे मत लो, हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। हम लोग ने बिल्कुल सही वक्त चुना है, रात के वक्त में कैमरा पिक्चर भी अच्छी खींचता है। ओहो इतना क्यों डरते हो? कितना डरते हैं ये लोग, हमें बचा लेना, हमें बचा लेना। मीचो की तो बोलती ही बंद हो गई, कैसे कांप रहा है। ये क्या चीज है? कुछ तो गड़बड़ है। आ गया पकड़ में। यही वो चीज है जो हमें डरा रही थी दोस्तों। जब इस टूटे हुए आईने में चांद की रोशनी टकराती थी तो ये आईना पलट के चांद की उन सारी किरणों को इस पानी में फैला देता था और उसे देखकर तुम लोग डर गए। ओ, तो ये बात थी? हाँ बस इतनी सी बात थी और तुम लोग डर रहे थे। सब लोग मेरे पीछे पीछे चलना क्योंकि डरपोक लोग आगे नहीं चलते। लगता है ये कमरा बहुत दिनों से बंद था। मम्मी बचाओ! क्या फोटो आई है आज तुम्हारी। पोल खुल गई मीची, उस दरवाजे से सबसे पहले तुम अंदर जाओगे। ये कौन सा मुश्किल काम है? इससे तो वो खुलेगा ही नहीं। तातियो तुम जाके उसकी मदद क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मेरी मदद से भी ये दरवाजा नहीं खुलेगा, किसी से भी नहीं खुलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब? जब से हम इस इमारत में घुसे हैं तुम लोगों ने एक भी लाइट जलती हुई देखी है क्या? नहीं ना, यहाँ तक कि इस कमरे की भी लाइट नहीं जल रही है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ की सारी चीजें बिजली से चलती है, इसलिए जब तक बिजली नहीं आएगी ये दरवाजा नहीं खुलेगा चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। अरे वाह दोस्तों, ये दरवाजा तो खुल गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, खोला तो दाई बुत्सु नहीं ना। मीचो की तो पैंट ढीली हो गई थी इसे खोलते खोलते। आ जाओ दोस्तों, अब पियानो वाले कमरे की तरफ चलते हैं। अंदर कोई पियानो बजा रहा है। ये कैसा हो सकता है? बीबी 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 भागो! बीबी बीबी अरे वाह यूबी, तुम पियानो बजा रहे हो? बीबी बी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। बचा लो उसे मत छोड़ना। दादा इसे तो मैं बाद में मजा चखाऊंगा। आपको कहाँ जाना है? मैं उछलते कुत्ते आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। ऐसे 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 क्योंकि मैं तो आपका दोस्त हूँ, आपने पहचाना क्या? चुपचाप तातियो, तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। अरे वाह मिचियो, तुम तो बहुत बहादुर हो। पर मुझसे बड़ा बहादुर तो तातियो है। डरो नहीं डरो नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं है, क्यों है ना यूबी?
मेरी साथी ऐसा आखिर अंदर है कौन? क्यों माइन मीठा नाइन, भूत का कहानी सुनने के बाद भी तुम लोग यहाँ क्यों आई? लेकिन सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पड़ोसी का डॉगी मेरे को सोने नहीं देता, इसलिए ये रात को यहाँ सोने को आ था। ए यूबी, तुम बहुत ही अच्छा कार्ड्स खेलती, चलो खेलते। नमस्ते दोस्तों, सेलिब्रिटी बेबी में आपका फिर से स्वागत है। जरा सोचिए आज हम किससे मिलने जा रहे हैं। दीदी? जी हाँ, गिरी को चैन से आज वो घूमने। यूबी कहीं टीवी तोड़कर अंदर मत घुस जाना। क्या गिरी को चैन से कुछ सवाल पूछे? हाँ हाँ जरूर पूछिए, अगर मूड अच्छा हुआ तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। गिरी को चैन आपको कैसा लग रहा है? मामा। देखा आपने कितनी स्मार्ट है, कह रही है मम्मी से पूछ लीजिए। मैं घर आ गया। अरे यूबी इतना क्यों चल रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? गिरी को चैन को देखा ना, इसलिए। वो ऐसे कहाँ दिख गई? टीवी पे, और कहा, बस उसी के बाद से इतना उछल कूद रहा है। काश ऐसा हो जाए कि यूबी और गिरी को चैन की दोस्ती हो जाए और वो उसे लेकर कहीं दूर भाग जाए, हमारी फैमिली रातों रात मशहूर हो जाए, हमारे इंटरव्यूज होंगे, हम टीवी पे दिखाए जाएंगे, पैसों की बरसात होगी। आज तक तो यूबी ने सिवाय बीबी के कुछ नहीं किया है, कम से कम इसी बहाने हम मशहूर तो हो जाएंगे, हम सबकी जिंदगी सेट हो जाएगी। मीठू बेटा बस करो मम्मा। देखो कसुमी किरी माची के ऑटोग्राफ वाली फोटो। अरे दादियों ये तुम्हें कहाँ से मिली? मिली क्या, उन्होंने खुद ही मुझे दी है, वो तो मुझे अच्छी तरह से जानती है, मुझे देखते ही बोली ये लो दादियों ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अरे वाह क्या बात है। कसुमी किरी माची और किरी को चैन आज शाम को पार्क में आने वाली है, हम भी चले? हाँ ये न्यूज तो मैंने भी सुनी है, वहाँ बहुत भीड़ होगी ना, प्लीज तुम हम सबको भी साथ में ले चलोगे? हमें भी उनसे मिलके उनका ऑटोग्राफ लेना है, ले चलोगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब क्या करूँ, ये तो मेरे गले ही पड़ गई। हम यूबी को भी साथ लेकर चलेंगे, वो किरी को चैन का बहुत बड़ा फैन है, उसे देखकर बहुत खुश हो जाएगा, सारा दिन उछलता ही रहेगा। हाँ बहुत मजा आएगा। अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ तो बहुत भीड़ है, हम उनसे कैसे मिलेंगे? आ गई मैडम जी, आ गई। एक सवाल अब हम क्या करेंगे? हाँ किरी को चैन को सबने ऐसे घेर लिया है जैसे घड़ी उठा कर ले जाएंगे। लगता है आज हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। सब भाग गए, ये कैसे हो गया? पता नहीं। गार्डन में घूमना तक मुश्किल कर देते हैं ये लोग, चलो बेटा। अरे वाह किरी को चैन तो यहीं आ रही है, अब तो ऑटोग्राफ जरूर मिलेगा। चलो तुम सबको उनसे मिलवाता हूँ। सबसे पहले मैं मिलूंगा। हेलो हेलो
बेटा सबको टाटा बाय बाय बोल दो। कसम करी माची। यूबी, अब कब तक किरिको चैन की याद में मुंह लटकाए बैठे रहोगे? जाओ कुछ खा पी लो फिर सोते हैं। हाँ यूबी, किरिको चैन टीवी पर है। जब से मेरी बच्ची पार्क में घूम कर आई है, ना कुछ खाती है ना पीती है। बीबी, आप ही बताइए क्या बात है किरिको चैन जी? बीबी, यूबी। आ, क्या कहा जरा फिर से तो कहो। यूबी। हाँ, किरिको चैन ने तुम्हारा नाम ले लिया है यूबी। यूबी, अब तुम्हें भी किरिको चैन का नाम बोलना सीखना ही पड़ेगा। किरिको चैन। चलो अब तुम बोलो। किरिको चैन। वाह, यूबी ने उसका नाम बोलना सीख लिया। बीबी, बीबी। किरिको चैन। यूबी, अब बॉस बहुत हो गया, अब सारा दिन उसी का नाम लोगे क्या? बीबी, 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 किरिको चैन। मिचो बनेगा सुपर हीरो, बीबी। अरे वो देखो। मेरा बच्चा, शुक्रिया। संभाल कर रहिएगा। काश मैं सुपरमैन बन पाता। वाह यूबी, इसमें तो बहुत मजा आएगा। तुम्हारे साथ मिलकर मैं दुश्मनों की छक्के छुड़ा दूंगा। ये है। अब मुझे कुछ अलग तरह के कपड़े बनाने पड़ेंगे जिससे मुझे कोई पहचान ना सके। ये कौन है? पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ बेटा। आज मोहल्ले में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है और उस पे मैं सबकी छुट्टी कर दूंगी। अच्छा, ऐसा क्या? क्या घर पे कोई है? चिट्ठी आई है। आई लो, मैं आ गई। डरने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने अपना मास्क उतार दिया। अब बन गया मैं सुपर हीरो। यूबी, सुपर हीरो सही नाम है या कोई दूसरा रखो? चलो यूबी, प्रैक्टिस कर लेते हैं वरना पता लगा मौका आने पर गड़बड़ हो गई। मैं हवा में हूँ, कैसा लग रहा हूँ? मन कर रहा है कि आज मैं यही रह जाऊँ। सुपर हीरो को छोटी मोटी चीजों से कुछ नहीं होता। कितना भागोगी? रुको, आज तो मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगा। रुको 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 रुको, ताकि मैं मुसीबत में है यूबी, जल्दी से मुझ में ताकत भरो। इसमें ब्रेक नहीं है, हट जाओ। लड़की भाग गई, मेरी साइकिल। कौन हो तुम? मैं आज से शहर का नया सुपर हीरो हूँ। पहले तो तुम्हें शहर में कभी नहीं देखा। पहले कहाँ से देखोगी? मैंने कहा ना, मैं नया हूँ, आज ही आया हूँ। ताकि मी तो बहुत भारी है, जल्दी नीचे उतार देता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सुपर हीरो,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे दोबारा किसी ने परेशान किया तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं? अपने घर का नंबर दे दूं क्या? अरे नहीं, इससे तो मैं पकड़ा जाऊंगा, कुछ और सोचता हूँ। तुम घबराओ मत, मुझे अपने आप पता चल जाएगा, आसमान से मैं सब देखता रहता हूँ। ओके, अब मैं जा रहा हूँ। वाह, कितना प्यारा है। मुझे हवा में उड़ाने के बाद तुम जमीन पे उतारना क्यों भूल जाते हो यूबी? क्या कहा? कौन था वो जिसने तुम्हें बदमाशी से बचाया? मैं ये तो नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन वो जो भी है वो बहुत बहादुर और प्यारा है। बदमाशों से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने भी बदमाशों से लड़ने की ट्रेनिंग ली है। पर वो तो मुझे लेके हवा में भी उड़ा था, मुझे तो अब भी लग रहा है कि मैं हवा में ही हूँ। ताकिमी तो मुझसे बहुत खुश है। काश कि मैं उससे दोबारा मिल पाती। कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। सब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे, आज तो मैं सबके सामने हीरो बन गया यूपी। ताकिनी को तो ये भी नहीं पता चला कि वो सुपर हीरो असल में मैं ही था। हाँ हाँ, मुझे पता है तुमने मेरी मदद की थी यूबी, पर हम ताकिनी को ये बात नहीं बता सकते ना। बीबी बीबी मीचियो, तुम्हारे लिए ताकिमी का फोन आया है, जल्दी आओ। हाय मम्मी। सुपर हीरो ने मुझे पार्क में बुलाया है। हाँ क्या, उसने तुम्हें मिलने के लिए पार्क में बुलाया है? हाँ लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ है यूबी, सुपर हीरो ने ताकिमी को पार्क में मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ, यानी कि कोई बदमाशी कर रहा है। अब तो चलकर देखना पड़ेगा कि मेरे नाम पर कौन खेल खेल रहा है। तैयार हो यूबी? आज अगर वो झूठा सुपर हीरो पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं, मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगा। मैं यूं गया और यूं आया यूबी। बस दो मिनट में आया ताकिमी, मैं आ गया। ओ हाय मिचियो, मैं आ गया। अरे सुपर हीरो अभी तक आया नहीं, कहीं वो भूल तो नहीं गया? ऐसे कैसे भूल जाएगा, उसने तो मुझसे वादा किया था। वादा तो टूट जाता है। तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? तात्यो भी नहीं दिख रहा है कहीं पर। अच्छा ही है ना। तुमने याद किया और मैं आ गया। मेरी ताकिमी, तुमसे मिलने के लिए मैं सात समंदर पार करके आया हूँ। तुम कितने प्यारे हो। मुझे तो लग रहा है कि ये तात्यो है। मैंने रात को उन बदमाशों से तुम्हें बचाया था। तात्यो कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम सुपर हीरो हो ही नहीं सकते, तुम झूठे हो। लगता है तुम लोगों को मेरा कमाल दिखाना ही पड़ेगा। अब ये देखो, आज तो तेरी छुट्टी कर दूंगा मीचियो। तुम सब तो पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ। ताकि भी मैंने ही तुम्हें उन गड्ढों से बचाया था। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? देख क्या रहे हो, कुछ करो। क्या हुआ सुपर हीरो, सारी हीरो के लिए निकल गई ना। काश मेरा असली सुपर हीरो यहाँ आ जाए। अरे बचाओ, क्या कर रहे हो? यही सही मौका है कमाल दिखाने का। यू बी, तातियो अपनी बेवकूफी की वजह से खतरे में है, पर मुझे उसे बचाना होगा। बीबी या। अरे वो देखो कौन आ रहा है, देखो तो ताकिमी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा सुपर हीरो आ गया है। वो लटक रहा है, उससे बचाओ जल्दी। हाँ जल्दी जाओ। ये तो असली वाला है। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे मिलने आ गए, मेरे सुपर हीरो। हाँ कल रात मैंने ही तुम्हें बचाया था ताकिमी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये झूठ बोल रहा है। नहीं ये तो नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया मेरे सुपर हीरो, प्लीज अपना चेहरा एक बार दिखा दो। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हें चेहरा दिखाई देता हूँ। बीबी बीबी बीबी
यूबी ये तुमने क्या कर दिया, आज मैं सबके सामने सुपर हीरो बनते बनते रह गया। हाँ ये भी कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी दिखाता हूँ। अरे मिचियो कहाँ चला गया, मिचियो यूबी ये सब लेकर छिप जाओ। हाँ ताकि मैं, क्या हुआ मिचियो, तुम्हें अपने दोस्त की फिक्र नहीं है क्या? अरे मैं तुम्हारे लिए मदद मांगने के लिए गया था। हाँ वो सब तो ठीक है, अरे ये जूते किसके पहन के आए हो? अब ये वो क्या है? आइडिया, यही सही मौका है। हाँ मैं तुम्हें सब बताता हूँ।